वेलकम स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स के बारे में। तो देखिए, जो फाइनल अकाउंट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। नंबर दो पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और नंबर तीन पे बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इन्हीं के साथ जैसे हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करेंगे और उसी के साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट के पॉइंट मिलेंगे, कुछ एडजस्टमेंट के पॉइंट मिलेंगे। उन एडजस्टमेंट को हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक होता है गुड्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। इट्स वैल्यूएशन एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होती है उस प्राइस पर इसका वैल्यूएशन होता है। अब देखो इसमें क्या आता है, ट्रायल, ये जो है ना, अब हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होगा तो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो सकता है और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी हो सकता है। तो अगर ये इनसाइड है, ओनली एसेस साइड ऑफ बैलेंस शीट, अगर ये इनसाइड दिया हुआ है यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेस साइड में दिखाएंगे, और यदि ये आउटसाइड है यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो हम क्या करेंगे, एसेस साइड ऑफ बैलेंस शीट नंबर वन, नंबर टू क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, दोज एक्सपेंसेस विच इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट येट टू बी पेड, जो खर्चे हमने ड्यूरिंग द ईयर कर तो लिए हैं लेकिन अभी उनकी पेमेंट नहीं की है। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को और जो मार्च की सैलरी है वो पे की जाएगी अप्रैल में, तो बिजनेस ने एक्सपेंसेस तो कर लिया मार्च का लेकिन उसकी पेमेंट अभी बाकी है, तो इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और इनसाइड के लिए, अगर ये इनसाइड है ट्रायल बैलेंस में, तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और यदि ये आउटसाइड है तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एड इन कंसर्न एक्सपेंसेस। देखिए अगर ये अंदर दे रखे हैं तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और यदि ये बाहर दे रखे हैं तो एक बार बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और दूसरी बार ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस है उसमें क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। इसके बाद नंबर तीन पे आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच पेड इन एडवांस जो एडवांस में पे कर दिए गए हैं, विच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर। अब देखिए ये इनसाइड है तो क्या करेंगे, इनसाइड के लिए हम करेंगे एसेस साइड ऑफ बैलेंस शीट। और यदि ये आउटसाइड है तो एसेस साइड ऑफ बैलेंस शीट डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंसेस। देखिए अगर ये इनसाइड है तो बैलेंस शीट के एसेस साइड में दिखाएंगे, और यदि आउटसाइड है तो एक बार बैलेंस शीट के एसेस साइड में दिखाएंगे, और दूसरी बार ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस हैं उनमें से हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। नंबर चार पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है ड्यू टू यूज और एक्सपायरी ऑफ टाइम रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट के यूज करने से या उसके टाइम एक्सपायरी से उसकी वैल्यू जो कम होती है वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। और यदि ये इनसाइड है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और यदि आउटसाइड है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नंबर दो पे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न एसेट। देखिए अगर डेप्रिसिएशन इनसाइड दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे, और यदि आउटसाइड दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, जो भी कंसर्न एसेट है उसमें से माइनस कर देंगे।